मालविका अविनाश। जी हाँ दोस्तों, मालविका अविनाश केजीएफ चैप्टर वन में दीपा हेगड़े नाम का एक कैरेक्टर निभा रही थी, जहां पे वो न्यूज एडिटर थी एक चैनल के 24x7 की। और ये जो न्यूज एंकर थी एडिटर थी, ये अनंतनाग सर का इंटरव्यू लेती है केजीएफ चैप्टर वन में। और बहुत सारे अच्छे अच्छे डायलॉग्स हैं इनके इस फिल्म में। और ये अपनी टीम को भेजती है एक जगह पर, ताकि ये पता लगा सके कि क्या सच में रॉकी था, है ना। तो कुल मिला के बहुत अच्छा, अनंतनाग सर जैसे कहानी सुनाते रहते हैं रॉकी की, बीच बीच में हमेशा वो टुकती है, तो क्या आपका रॉकी डर गया, तो आपके रॉकी ने क्या किया, उसके बाद रॉकी गया पिछड़ गया, जो भी है वो बहुत अच्छा लगता है। इट सीम्स ए वेरी ग्रेट कॉम्बो। जो बातचीत होती है अनंतनाग सर और मालविका अविनाश के बीच में, बहुत अच्छा लगता है मेरे ख्याल से, वो सबसे बेस्ट चीज है। और मजा आया था, उनका रोल भी बहुत अच्छा था। तो उन्होंने हाल ही में ट्वीट किया है, साथ में उन्होंने ये कहा कि कोई फिल्म आपको इतना ज्यादा पॉपुलर बना देती है आप सोच भी नहीं सकते हो। और केजीएफ चैप्टर वन ना केवल कन्नड़ा यानी कर्नाटका का प्राइड है, बल्कि इंडिया का प्राइड है। क्योंकि मैंने जो विटनेस किया वो मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने कहा कि मैं दुबई में गई और दुबई में नॉन इंडियंस यानी कि जो इंडियन लोग नहीं थे, उन लोगों ने भी उन्हें पहचाना और तारीफें की और वाहवाही की उनके रोल की। तो उन्होंने कहा कि केजीएफ चैप्टर टू ने इंडिया को प्राउड फील करवाया है, ना कि सिर्फ कन्नड़ा इंडस्ट्री को, बट पूरे इंडिया को इस फिल्म ने प्राउड फील करवाया है। और ये उसका जीता जाता आई थिंक सबूत है मेरे ख्याल से, कुछ इस तरह से कहा है केजीएफ चैप्टर वन की एक्ट्रेस मालविका अविनाश ने। तो कुल मिलाकर मेरे ख्याल से आप सभी भी एग्री हो गए। बहुत लोग शायद इस बात को या इस क्रेज को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आई थिंक जो मालविका अविनाश के साथ हुआ ये तो बस शुरुआत है। कि चैप्टर टू आने तो दीजिए, और जितने हंगामे होंगे उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। चलिए फिलहाल कितना है।